हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 30x50, 30 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई और 50 फीट इस प्लॉट की लंबाई और साउथ फेस है, दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी किन्हीं और का बुक कराया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने क्या क्या डिजाइन किया मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन रहती है उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर ये डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हमारी प्लॉट की चौड़ाई वो 30 फीट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और जो लंबाई है हमारी यहाँ से लेके यहाँ सामने तक है वो है 50 फीट, ठीक है। तो 30x50 प्लॉट की साइज हो गई और साउथ फेस है, दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख है। तो दक्षिण दिशा से हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देखिए दोस्तों, 9 फीट का मेन गेट आ रहा है और मेन गेट से हम जैसे एंटर करते हैं तो हमारे पास पार्किंग एरिया आ रहा है जिसकी साइज़ है 14 फीट 2 इंच बाई 18 फीट 9 इंच, ठीक है। 14 फीट 2 इंच तो हो गई आपकी ऐसे और 18 फीट 2 इंच हो गई ऐसे, 18 फीट 9 इंच सॉरी। तो 14 फीट 2 इंच बाई 18 फीट 9 इंच का हमारा पार्किंग एरिया हुआ। और इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए हमारे पास 4 फीट का पैसेज आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 4 फीट का पैसेज छोड़ के हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये हमारा पार्किंग एरिया 14 फीट 2 इंच बाई 18 फीट 9 इंच का। फिर इस तरफ देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास जैसे हम 2 स्टेयर अप करते हैं तो ये 4 फीट का छोटा सा लैंडिंग बना हुआ है 4x4 का और ये हमारा 4 फीट का मेन डोर है, ठीक है। मेन डोर हम जैसे ही खोलते हैं तो हम घर के अंदर एंटर करते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, ठीक है। जिसकी साइज़ है हमारे पास 17 फीट 3 इंच बाई 15 फीट 11 इंच, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 15 फीट 11 इंच है और ऐसे 17 फीट 3 इंच है, ठीक है। तो 17 फीट 3 इंच बाई 15 फीट 11 इंच का हमारे पास डाइनिंग और लिविंग एरिया रहा। और इस मेन डोर की इस तरफ चलते हैं ये देखिए हमारे पास 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन आ रहा है जिसकी साइज है 10x10, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने पैसेज के अंदर निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ निकल रही है, ठीक है। और फिर किचन से वापस बाहर आते थे फिर डाइनिंग और लिविंग एरिया। और फिर इस मेन डोर के जैसे पास में इस तरफ देखते थे ये देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ रहा है जिसकी साइज़ है 5x7, 5 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे। ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ रहा है जिसका 1-2 फीट का वेंटिलेशन सामने पार्किंग की तरफ और 1-2 फीट का वेंटिलेशन पीछे दूसरी साइड पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। पश्चिम दिशा के अंदर हम देखिए ये पार्किंग हुआ है आपका 14 फीट 2 इंच बाई 18 फीट 9 इंच का। और पश्चिम दिशा के अंदर हमने 3.5 फीट का पूरा पैसेज छोड़ा है सामने से लेके पीछे तक, ठीक है। ये देखिए ये हमने 3.5 फीट का पूरा पैसेज छोड़ रखा है, मतलब कि पश्चिम दिशा में हमने 3.5 फीट की जगह छोड़ के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देखिए 3.5 फीट का पैसेज है पूरा, तो इसके अंदर हमारी विंडो वगैरह निकल रही है, ठीक है। तो इस कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेशन भी इस पैसेज के अंदर निकल रहा है, ठीक है। कॉमन टॉयलेट के जस्ट पास में यहाँ पे ये देखिए स्टेयर केस बना हुआ है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 3.5 फीट स्टेयर केस का लैंडिंग है, ठीक है। यहाँ से हम अप होंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। और फिर इस तरफ देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज़ है 12x12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे। इसकी 4 फीट की विंडो एक तो आपकी पश्चिम दिशा के अंदर जो पैसेज छोड़ रहा है उसके अंदर निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो पीछे हमने उत्तर दिशा के अंदर 4x11 फीट 11 इंच की बालकोनी छोड़ रखी है, 4 फीट ऐसे और 11 फीट 11 इंच ऐसे ये हमने बालकोनी छोड़ रखी है। इसके अंदर इस बेडरूम की विंडो एक और निकल रही है 4 फीट की, ठीक है। इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इस दरवाजे के जस्ट पास में देखिए यहाँ पे 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज़ है 11 फीट 11 इंच बाई 12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे ये हमारा बेडरूम हो गया। और इसकी 4 फीट की विंडो भी पीछे जो उत्तर दिशा के अंदर हमने बालकोनी दी है उसके अंदर निकल रही है और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये 2.5 फीट का दरवाजा हो गया और ये हमारी बालकोनी हो गई 4x11 फीट 11 इंच की, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गई दोस्तों आपको पार्किंग एरिया, ये आपका 4 फीट का पैसेज, ये आपका 3.5 फीट का पैसेज पूरा, और ये आपका मेन डोर, ये आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये आपका किचन, ये आपका कॉमन टॉयलेट, ये स्टेयर केस, ये बेडरूम और यहाँ पे ये पीछे बालकोनी, ठीक है, 4x11 फीट 11 इंच की। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों 30x50 प्लॉट की साइज है, 30 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है और 50 फीट इस प्लॉट की लंबाई और साउथ फेस है, दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख है, ठीक है। बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड आया हुआ है। टोटल इसके अंदर मैंने 2 बेडरूम डिजाइन किए, किचन, पार्किंग और एक कॉमन टॉयलेट है, स्टेयर केस है। तो ये देखिए दोस्तों पीछे से 30 फीट चौड़ाई लिखी रखी है हमने, यहाँ से ये देखिए चौड़ाई प्लॉट की 30 फीट है। ये हमारा बेडरूम 12x12 का, ये हमारी पीछे बालकोनी 4x11 फीट 11 इंच की और इस बेडरूम की एक विंडो 4 फीट की निकल रही इधर पश्चिम दिशा के अंदर, ये हमने 3.5 फीट का पैसे छोटा का पीछे तक ये पूरा और एक 4 फीट की विंडो इस बालकोनी के अंदर और इस बेडरूम का ये 3.5 फीट का दरवाजा और इसके जस्ट पास में 3.5 फीट का दरवाजा और बेडरूम 11 फीट 11 इंच बाई 12 फीट, इसकी 4 फीट की विंडो इस बालकोनी के अंदर 4x11 फीट 11 इंच बालकोनी की साइज़ है और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से यहाँ से 2.5 फीट का दरवाजा, ठीक है।
फिर इस बेडरूम के जस्ट पास में देखिए यहाँ पे स्टेयर केस बना हुआ है, यहाँ से आप होंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 3.5 फीट स्टेयर केस का लैंडिंग हो गया आपका। फिर स्टेयर केस के जस्ट पास में देखिए ढाई फीट का दरवाजा और एक कॉमन टॉयलेट 5x7 का, जिसका 1-2 फीट का वेंटिलेशन इधर पैसेज की तरफ और 1-2 फीट का वेंटिलेशन सामने पार्किंग की तरफ। और फिर यह हमारा हुआ डाइनिंग और लिविंग एरिया 17 फीट 3 इंच बाई 15 फीट 11 इंच, 17 फीट 3 इंच ऐसे और 15 फीट 11 इंच ऐसे। ये हमारा 4 फीट का मेन डोर और ये आपका छोटा सा लैंडिंग और यहाँ पे 2 स्टेप दे रहे गए। और फिर ये हमारा हो गया पार्किंग एरिया 14 फीट 2 इंच बाई 18 फीट 9 इंच, 14 फीट 2 इंच ऐसे और 18 फीट 9 इंच ऐसे। और ये 4 फीट अलग है, ठीक है, 4 फीट के जगह छोड़ने के बाद में यहाँ पे 14 फीट 2 इंच जगह बेच रही, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर ये 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन 10x10 का, इसकी 1 4 फीट की विंडो सामने पैसेज की तरफ और 1 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ। और फिर ये हमारा 4 फीट का पैसेज और ये 9 फीट का मेन गेट और ये दक्षिण दिशा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन रहती है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।